अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड विद आयशा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है दही बड़े। तो वैसे तो दही बड़े जो हैं वो काफ़ी चीज़ों के बनते हैं, जिसमें मूंग की दाल के, माश की दाल के दही बड़े भी आपने खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ बेसन के साथ में। तो बेसन के दही बड़े जो हैं कैसे बनाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत चटखारेदार बनते हैं। तो रेसिपी जो है वो फिर हम शुरू करते हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैंने लिया है 1 कप के करीब भर के बेसन है मेरे पास। उसके पास में मैंने जो है वो 2 जगह पे शुगर ली है, यानी 1 कप शुगर मेरी ये है और 1 कप ये, यानी कि टोटल 2 कप शुगर जो है वो इस रेसिपी में जाएगी। उसके साथ में मैंने लिया है चाट मसाला और मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा। इसके साथ में मैंने 1/2 टीस्पून की जितनी ली है पिसी हुई लाल मिर्च और मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के करीब दही, जिसको मैंने जो है फेंट लिया है। तो अभी जो है दही बड़े बनाने की जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं करूँगी, चीनी का पानी बनाऊँगी सबसे पहले, जिसमें मैं भिगोंगी फुलकियों को। तो फिर चले हम चीनी का पानी बनाते हैं। तो चीनी का पानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है एक देगची में पानी लिया है 1 कप के करीब। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1/2 कप के जितनी शुगर और 1/2 कप शुगर डाल के मैं इसको कर लूंगी मिक्स। सो फ्रेंड्स, शुगर को हमें इतना मिक्स करना है कि ये पानी में जो है डिजॉल्व हो जाए। और ये शीरा तो नहीं बोल सकते आप इसको, बस ये हम बना रहे हैं मीठा पानी जिसमें हम डुबोएंगे फुलकियों को। तो फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े की मतलब कि दही फुलकी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की। तो घर में ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जी फ्रेंड्स, तो अब तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट के बाद में जो कि चीनी वाला पानी था हमारा वो डन हो चुका है और आप इसमें लाइट सी बबलिंग भी देख रहे होंगे। बस ये स्टेज पे मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और अब फ्लेम को बंद करने के बाद मैं पानी को जो है वो ठंडा कर लूंगी। ठंडे का मतलब कि वाकई में ठंडा, यानी कि मैं इसको फैन में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जी फ्रेंड्स, तो अब जो है वो हम बनाएंगे फुलकियाँ। और फुलकियों का बैटर बनाने के लिए मैं मैदे में तकरीबन डालूंगी 1/2 टीस्पून के जितना ये चाट मसाला, आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने तकरीबन जो है 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा लेके रखा हुआ था। अब मैं इसको डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद में जो मेरे पास में पानी रखा हुआ है 1 गिलास के करीब, तो मैं इस पेस्ट का फिर लाइट सा मिक्सचर बना लूंगी और कंसिस्टेंसी क्या होगी ये मैं आपको फिर दिखाती रहूंगी साथ में। अब मैंने इसमें तकरीबन 1/2 ग्लास के जितना पानी शामिल किया है। पानी आपको सारा साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो आपको दिखती रहे, क्योंकि हमें इसके लिए ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए है। थोड़ी सी पकौड़े जैसी लगते हैं आप, गाढ़ी गाढ़ी सी थोड़ी सी, तो वैसी ही चाहिए। जी फ्रेंड्स, तो अब हमारी जो फुलकियों का बैटर है वो है बिल्कुल तैयार और जो कंसिस्टेंसी है वो भी आपके सामने है। आप चेक कर सकते हैं कि बेसन में किसी भी किस्म का कोई लम्स नहीं है। तो अब मैं इसको जो है फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए 1 चम्मच से लेके जो है मैं इसको डालूँगी कढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपको, क्योंकि हमको ज़्यादा बड़ी बॉल्स जो है वो नहीं चाहिए हैं। ऐसे करके मैं सारे दही बड़े इसमें फ्राई कर लूंगी। जी फ्रेंड्स, तो जब तक के जो है वो फुलकियाँ फ्राई हो रही हैं मैं आपको दही तैयार करके दिखा देती हूँ। तो दही के लिए मैंने लिया है चाट मसाला, ये है मेरे पास 2 बड़े चम्मच भर के खाने वाले। इसके साथ में मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच के करीब भर के बड़े वाले चम्मच चीनी के और थोड़ी सी तकरीबन आप समझो 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। अब मैं ये तीनों मसाले डाल के दही को अच्छे से मसालों के साथ में बीट कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली जो है मसाले वाला दही जो है दही फुलकी के लिए वो डन हो चुका है।
और यहाँ साथ साथ में जो है वो फुलकियाँ अभी फ्राई हो रही हैं, जिनको मैंने बोथ साइड से गोल्डन कलर देना है, लाइटिश गोल्डन सा। और फुलकियों को जो है वो स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना ये बीच में से कच्ची रह जाएंगी। तो फाइनली फुलकियाँ थी वो मेरी अब डन हो चुकी हैं। तो अब मैं फुलकियों को शामिल करूँगी चीनी वाले पानी में, और चीनी वाले पानी में मैं इसको रखूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर मैं इसको शामिल कर दूंगी दही में। तो अब जो है चीनी के पानी में भीगे हुए जो है फुलकियों को तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम गुजर चुका है, तो अब मैं इसको शामिल करूंगी मेरे फिटे हुए मसाले वाले दही में। और फिर दही में शामिल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फुल कंप्लीट गार्निशिंग। जी फ्रेंड्स, जो आप देख सकते हैं कि दही बड़े की फाइनल लुक जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसकी गार्निशिंग के लिए इस पर थोड़ा सा छिड़कूंगी सिर्फ चाट मसाला, और बाकी इसके ऊपर कुछ नहीं जाएगा। तो चाट मसाला छिड़कने के बाद अब जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि दही बड़ों की फाइनल लुक है। तो इंशाल्लाह अब फिर किसी नेक्स्ट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए जो है मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और सबका बहुत ख्याल रखिएगा।